नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। थोड़ा सा साउंड की दिक्कत हो सकती है क्योंकि जहाँ बैठा हूँ बहुत बहुत शोर है। बट आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि मैं आप लोगों को थैंक्स कर सकूँ। जहाँ कभी मैं सोच रहा था कि यार इस चैनल को आगे रन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, शायद इसे बंद कर देना चाहिए, पर आप लोगों ने जो दोबारा प्यार देना शुरू किया ना, अब मन नहीं कर रहा है कि इसे बंद किया जाए। मैं कुछ नाम यहाँ पर लेकर आप सबका पर्सनली थैंक यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की दी हुई हिम्मत की वजह से मैं इस चैनल को अब आगे रन कर रहा हूँ। दो नाम तो सबसे ज़्यादा खास हैं मेरे लिए, एक कविता मैम का, कविता शर्मा मैम का, और एक कविताएं मेरा वजूद। ये दो चैनल हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा मोटिवेशन देते हैं। जितना प्यार इन लोगों ने अभी दिया है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बाकी और भी बहुत सारे साथी हैं, शेप योर सोल हैं, नम्रता गुप्ता जी हैं, पहेली सी दुनिया, काव्य रंग, शायरी लव लाइफ, शायरी हिंदी वन, वफाज पोइट्री, सब बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। जो मैंने अभी कुछ टाइम में महसूस किया ना, कि जहाँ शायद मैं सोचने लगा था कि यार नई जनरेशन को ना पोइट्री में कोई शायद इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, ख़त्म सा होने लगा है, वहाँ पर अब ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी भी है, एक स्पार्क है कि हम लोग मिलकर इसे और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा सिर्फ तारीफ़ करें, अगर कहीं कमी हो तो आप खुल के बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बताना चाहिए। बट जो आपका एक एक कमेंट खुद को डेवलप करने में, खुद की पर्सनैलिटी को, खुद की राइटिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है ना, उसका कोई जवाब नहीं, कोई भी जवाब नहीं। तो ये वीडियो इसीलिए था कि आप लोगों को सिर्फ एक थैंक यू कर सकूं। दिल में उतर जाने का ये हुनर कहाँ से लाते हो, दिल में उतर जाने का ये हुनर कहाँ से लाते हो। मिले थे अजनबियों की तरह, अब दोस्त से नजर आते हो।